और प्यारे बच्चों, ये हमारे वो साहसी बच्चे हैं जिनके पास कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, लेकिन ये अपनी पढ़ाई के प्रति कोई समझौता नहीं करते, दिन रात मेहनत करते हैं। सोचो 7 साल पहले इस बच्चे की क्या उम्र रही होगी। बेटा 7 साल पहले आप रहे होगे कक्षा तीसरी में, तीसरी क्लास में जब बच्चा था तब इनके पिताजी बेटा कैसे खत्म हुए थे? जी सर, फीवर आ गया था तो उनको इंजेक्शन से, तो वो सूट नहीं हुआ था सर, तो वो रिएक्शन कर गया था। तो शायद मुझे लगता है कि तीसरी क्लास में जब बच्चा पढ़ रहा था तब पिताजी का देहांत हुआ। और आकर्ष ने बताया अभी आने पर कि आकर्ष रोज 8 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूल जाता है, 8 किलोमीटर स्कूल से साइकिल चला के आता है। यहाँ से तुम्हारा 8 किलोमीटर, थकी नहीं लगी कभी कि मतलब आए हो स्कूल से थक गए हो? नहीं तो थकान लगती है यार, बड़े छोटे आदमी तुम 8 किलोमीटर चलाते कैसे साइकिल? सर चला लेते हैं। क्या खाते थे कि 8 किलोमीटर आना जाना मैनेज कर लेते थे? और सबसे बड़ी चीज है बच्चे के चेहरे पे तेज देखो, 8 किलोमीटर जाना फिर 8 किलोमीटर आना। सिविल सर्विसेज में क्या करना चाहते हो? जी सर आईएएस। आईएएस बनना चाहते हो? आईएएस बन के क्या करोगे? सर देश की जो सेवा करना चाहते हो, देश को एक अच्छे लाइन से, ये भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हो। तुम नेतागिरी वाली लाइन बोल रहे हो, भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हो। प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं आपका प्यारा शिक्षक आपका मुकेश सर स्वागत करता हूँ यूपी बोर्ड हाई स्कूल के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पे, अपने एक होनहार विद्यार्थी जिसका नाम ही बहुत प्यारा है, और इस बच्चे के नाम को सुनकर ही आप आकर्षित हो जाएंगे। बेटा पहले अपना नाम आप बताओगे? सर मेरा नाम आकर्ष मिश्रा है और मैं यूपी बोर्ड से पढ़ रहा हूँ सर। अच्छा, आकर्ष बहुत ही मेहनती और बहुत ही तेज तर्राड़ बच्चा है। आकर्ष ने इस वर्ष यूपी बोर्ड हाई स्कूल का पेपर दिया है, और आकर्ष ने बताया अभी आने पर कि आकर्ष रोज 8 किलोमीटर साइकिल चला के स्कूल जाता है, 8 किलोमीटर स्कूल से साइकिल चला के आता है। और आकर्ष के माता जी हैं, आकर्ष के नाना जी हैं, हम इस वक्त बैठे हुए हैं कानपुर के। बेटा ये कौन सी जगह है कानपुर? जी सर कानपुर देहात रूरा, कानपुर देहात के रूरा नामक जगह पे, जहाँ पे आकर्ष के नाना जी के घर पे हैं। तो बेटा कब से पढ़ाई कर रहे हो विद्याकुल से? जी मैंने हाई स्कूल के स्टार्टिंग में विजय बस ज्वाइन किया था सर। कब ज्वाइन किया था बेटा? जी अप्रैल से ज्वाइन किया था सर। अप्रैल से ज्वाइन किया था, तो क्लासेस थोड़ा सा लेट चली थी। जी सर जुलाई से स्टार्ट हो गई थी। जुलाई से क्लास करना स्टार्ट किए थे। तो बेटा आप जब पढ़ रहे थे तो आपका पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा, ऑल टीचर्स आर बेस्ट, सभी की अपनी अपनी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। सबसे फेवरेट टीचर तुम्हारे? सर अनुपमा मैम फेवरेट टीचर। अनुपमा मैम फेवरेट थी, क्यों फेवरेट थे अनुपमा मैम? सर उनका पढ़ाने का अंदाज ही थोड़ा अलग था सर। तो अनुपमा मैम को तो सब बच्चे मम्मा कहते थे। जी सर वो गुरु माता थी, गुरु माता थी। नितेश सर आपके कैसे पढ़ाते थे बेटा? बहुत ही अच्छा, उनका तो निराला ढंग था, उनका तो कहने ही अलग है। तो निराला सर की कुछ यादें तुम्हें याद है? निराला सर कैसे पढ़ाते थे? सर वो बीच बीच में सिंगिंग वगैरह करते रहते थे। अच्छा। तो फिर बहुत अच्छा लगता था, तो बोरिंग नहीं रहता था मैथ्स एसएस लेवल। और आपकी पूजा मैम? पूजा मैम की हिंदी भी बहुत अच्छी थी, वो भी अच्छे से पढ़ाती थी। मैम अगर ये वीडियो देख रही है तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? जी बहुत बहुत थैंक यू उनके लिए, मैम के लिए, जो पूरे ईयर इतना अच्छे से तैयारी करवाई सबको। चलो बहुत बढ़िया बेटा। और इसी तरह राज सर का क्या था? राज सर कैसा पढ़ाते? राज सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे, साइंस बहुत अच्छी थी, तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने तैयार कराया। तो बेटा आप अपने नाना के घर में रहकर ही पढ़ाई करते हो? जी यहीं रहते हैं सर। अच्छा आप अपने मम्मा के साथ यहीं रहते हो? जी सर। अच्छा पापा आपके? जी सर 7 ईयर्स बिफोर एक्सपायर हो गए थे। पापा को देखा था याद है पापा? जी सर 8-9 ईयर्स के थे। तो पापा की कमी खलती है यस सर बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम पे। चलो ठीक है, तो मम्मा और आप यहाँ पे रह के पढ़ाई करते हो? यस सर। अच्छा पापा की कुछ यादें हैं अभी भी कुछ? जी याद आती है, वैसे तो याद करते हैं, अच्छे से याद रहते हैं। चलो लेकिन बेटा पापा की कमी मम्मा ने पूरी कर दी है, और तुम्हारी मेहनत के दम पे बेटा एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, मेहनत करना। 11th में क्या सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हो बेटा? जी सर मैथ्स लिया है मैंने। मैथ क्यों लिया है तुमने? सर इसलिए क्योंकि आगे इंजीनियरिंग या फिर उसके आगे सर सिविल सर्विसेज के लिए प्रयास करेंगे। अच्छा सिविल सर्विसेज तक का अभी से सोच लिया तुमने? सर प्रयास रहेगा। प्रयास नहीं बेटा, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हमें सिविल सर्विसेज करनी है। जी बिल्कुल सर। तो सिविल सर्विसेज में क्या करना चाहते हो? जी सर आईएएस। आईएएस बनना चाहते हो?
आईएएस बन के क्या करोगे? सर देश की जो सेवा करना चाहते हो, देश को एक अच्छे लाइन से, ये भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हो। अच्छा, तो तुम नेतागिरी वाली लाइन बोल रहे हो, भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हो। ऐसी बात नहीं, आईएएस बन के भ्रष्टाचार कैसे खत्म करोगे? नहीं सर, बहुत से आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आकर भी लोग ऐसा काम करते हैं। किनको देखा जो तुम ऐसा बोल रहे हो कि बहुत सारे ऐसे आईएएस हैं? सर सुनने में आता है ऐसा। सर मतलब किनको अपना आइडियल मानते हो, जिनको सुन रहे हो कि इन्होंने भ्रष्टाचार खत्म किया? सर बहुत से आईएएस हैं, लेकिन सर वैसे तो हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स के सुधांशु सर को पसंद करते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स में सुधांशु सर को पसंद करते हो? उनके शॉर्ट्स और वीडियो यूट्यूब पे देखे हो? जी सर, उनके फुल वीडियोस देखते हैं। तो यूट्यूब में मतलब पढ़ाई के अलावा उनके मोटिवेशन पे चले जाते हो? नहीं सर, उनके वैसे जो वीडियो जाते हैं वो देखते रहते हैं डिबेट्स के। चलो बहुत बढ़िया, उनकी डिबेट अभी से तुम देख रहे हो? सर नहीं, कभी कभी देख लेते जब टाइम। कौन सी क्लास से देख रहे हो उनकी डिबेट? सर अभी देखते हैं, क्लास 9 से, जब से देखना थोड़ा एक दो शॉर्ट्स। तो उनकी डिबेट देख के लगता है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार चल रहा है और मैं भी एक दिन इस तरह भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। जी सर, प्रयास करूंगा। चलो बहुत सुंदर बेटा, तो भविष्य में बच्चा हमारा मेहनत करके देश सेवा करना चाहता है। बेटा आपके पढ़ाई में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? जी माता जी का रहा, और यहाँ पे रह रहे हैं तो नाना जी वगैरह का, और दीदी। अच्छा, जीजू भैया, सारे रिलेशन वाले लोगों ने, सभी ने सहयोग किया। सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? माता जी का रहा है। माता जी आपकी पूरी हेल्प करती हैं? जी फुल हेल्प सर, हर एक चीजें, पढ़ाई में सारी कोई कमी नहीं होने देती है सर। मतलब कभी पापा की कमी नहीं? नहीं सर बिल्कुल नहीं, सारे एक चीज को पहले से पहले कर देते। और यहाँ नाना जी बेटा के घर में हो? बहुत अच्छा लगता है। नाना जी पूरी हेल्प करते हैं? जी बहुत अच्छे हैं सर। चलो बहुत बढ़िया, तो बेटा मम्मी आपको सुबह उठाती थी कि आप अपने से उठ जाते थे? सर वैसे तो मम्मा उठा देती, वैसे प्रयास करते उठने का, वैसे मम्मी 4-5 बजे तक उठाई देती हैं। ओवरऑल कितने नंबर है तुम्हारे टोटल? 540 नंबर। अच्छा 540 नंबर है, 540 नंबर है 600 में बच्चे के। और थोड़ी सी एक गलती हो गई बच्चे से कि मैथ के सब्जेक्ट में क्या हुआ था बता दो बेटा। सर मैंने मैथ्स का पेपर दे रहा था तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में था, इसलिए मैथ्स के मिडिल टाइम पे हाफ एन आवर जो बचा था तो सर मैंने जल्दी में सर ओएमआर के सीरियल को नहीं देखा, एक क्वेश्चन पेज के उधर को था, मैंने सीरियल इधर से सेकेंड नंबर क्वेश्चन से चालू कर दिया, इसलिए मेरे 19 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए। मतलब ओएमआर भरने में बच्चे ने थोड़ी सी गलती कर दी, नहीं तो बच्चे की स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में रैंक होती। लेकिन बेटा मेहनत करो, 11th और 12th में तुम्हारी स्टेट रैंक या डिस्ट्रिक्ट रैंक आएगी। जी सर पूरा प्रयास रहेगा। प्रयास रहेगा जी सर। कितने घंटे पढ़ोगे 11th 12th में? सर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम शिक्षा की। बेटा कैसे पढ़ाई करते थे एक बार अपना टाइम टेबल बताओगे, सुबह कितने बजे उठते थे स्कूल यहाँ से तुम्हारा 8 किलोमीटर? थकी नहीं लगी कभी कि मतलब आए हो स्कूल से थक गए हो? नहीं तो थकान लगती है यार, बड़े छोटे आदमी तुम 8 किलोमीटर चलाते कैसे साइकिल? सर चला लेते हैं। क्या खाते थे कि 8 किलोमीटर आना जाना मैनेज कर लेते थे? कर लेते हैं। अरे भगवान तो चलाते हैं, बस बजरंगबली की तो कृपा बनी रहेगी। प्यारे साथियों, हम जहाँ बैठे हैं इस गेट के जस्ट सामने बजरंगबली का संकट मोचन बजरंग धाम मंदिर है, बहुत ही प्यारा माहौल है, और माता जी बगल में खड़ी हैं। कैमरामैन एक बार आप दिखाएंगे, जो कि इस बच्चे की सच्ची नायक रही हैं। पिताजी का साया नहीं है बच्चे के सर पर, लेकिन माता जी ने नाना जी के यहाँ रह करके बच्चे की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया है, और साफ साफ कहना है कि बजरंगबली का साथ है, और सबसे बड़ा साथ तो माता जी का है कि जिन्होंने इस बच्चे को मेहनत से पढ़ाया और आज बच्चे ने कर दिखाया। और सबसे बड़ी चीज़ है बच्चे के चेहरे पे तेज़ देखो, 8 किलोमीटर जाना फिर 8 किलोमीटर आना। बेटा फिर ऑनलाइन क्लास रेगुलर करते थे? जी सर प्रयास रहता था, ये लाइव नहीं ले पाते थे तो फिर रिकॉर्डेड क्लास कर लेते थे। नोट्स वगैरह सब कुछ बनाए थे? जी सर बनाए थे, जो स्टूडेंट्स को जरूरत थी उनको प्रोवाइड कर दिए। स्कूल के नोट्स भी बनाते थे, यहाँ के भी नोट्स बनाते? जी सर अपने सेल्फ नोट्स दोनों बनाते थे। जी सर चलो ठीक है। तो फिर बेटा पढ़ाई घर पे सेल्फ स्टडी कितने घंटे की हो जाती थी? सर हो जाती थी शाम को 3-4 घंटे और सुबह 1-2 घंटे। बहुत मेहनती बालक है। बाल को ये सोचो कि सही स्कूल जाना, उसके बाद घर पे 3-4 घंटा पढ़ना, रेगुलर लाइव क्लास करना,
तो बेटा सबसे प्यारा बैच तुम्हें कौन सा लगा? विजय बैच, लक्ष्य बैच, कुंजी बैच, सर जैसे तीनों मिले थे विजय बैच के साथ। जी सर, लक्ष्य बैच भी बहुत अच्छा था और लास्ट में कुंजी बैच ने भी बहुत हेल्प की सर। बहुत हेल्प की। यस सर। चलो बेटा बहुत बढ़िया, और 11th क्लास की पढ़ाई करो मन लगा के। और प्यारे बच्चों, ये हमारे वो साहसी बच्चे हैं जिनके पास कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, लेकिन ये अपनी पढ़ाई के प्रति कोई समझौता नहीं करते, दिन रात मेहनत करते हैं। सोचो 7 साल पहले इस बच्चे की क्या उम्र रही होगी। बेटा 7 साल पहले आप रहे होगे कक्षा तीसरी में। तीसरी क्लास में जब बच्चा था तब इनके पिताजी बेटा कैसे खत्म हुए थे? जी सर, फीवर आ गया था तो उनको इंजेक्शन से तो वो सूट नहीं हुआ था सर, तो वो रिएक्शन कर गया था। तो शायद मुझे लगता है कि तीसरी क्लास में जब बच्चा पढ़ रहा था तब पिताजी का देहांत हुआ। पिताजी की यादें भी बच्चे के पास पूरी तरीके से नहीं होंगी, तुम बहुत छोटे रहे होगे है ना, बाद में हमेशा पिताजी की कमी खली होगी। लेकिन एक महान माँ ने, एक बहादुर माँ ने बच्चे का दिन रात सपोर्ट किया और इस बच्चे ने मेहनत की, इस बच्चे ने खूब मेहनत की, आज ये बच्चा कर दिखाया। बेटा ये मेहनत बहुत करनी है, जीवन भर करनी है, ठीक है। मम्मी के मतलब समझ लो कि मम्मी ने तुम्हारे लिए दिन रात क्या क्या मेहनत की होगी, है ना, और भविष्य में माता जी की दिन रात की मेहनत को सफल करना है, ठीक है, पक्का करोगे? ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही बहादुर बच्चों से मिलाते रहेंगे। हमारी ये विजय यात्रा चल रही है जहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के गाँव घर घर जा कर के ऐसे बहादुर बच्चों से मिला रहे हैं, और आज हमारी विजय यात्रा है कानपुर में। और इसके बाद बेटा आप सभी को जहाँ जहाँ भी जाते रहेंगे कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से बताते रहेंगे, हर बच्चे के घर जाएंगे, हर बच्चे से आपको मिलवाएंगे। और यह था हमारा प्यारा आकर्ष मिश्रा, इतना प्यारा बच्चा जिसे देखकर हम खुद आकर्षित हो गए। मिलाते हैं अगले बच्चे से, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।